हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ज चैनल स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज पर हम लोग कर रहे हैं मॉक टेस्ट आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए ये हमारा मॉक टेस्ट सिक्स रहने वाला है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके जनरल इंग्लिश वाला पोर्शन ठीक है तो आइए क्विक रिविजन करते हैं जनरल इंग्लिश का सभी टॉपिक्स का जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बीस एमसी हैं और ये बी समसी आपके एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे लेटेस्ट जेके का जो आजकल पैटर्न है ठीक है भाई तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं प्लस टेलीग्राम पे जाके जहाँ आपको ऊपर टॉप पे पिंड कमेंट दिखेगा तो वहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप चैनल पर हम लोग डेली करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक पोशन डिस्कस करते हैं ठीक है भाई तो चलिए बाकी वेरियस मीडिया हैंडल्स भी सोशल मीडिया हैंडल्स चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना वरना आपकी मर्जी है भाई क्लियर चलो आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है चूज द ऑप्शन दैट विल मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट ठीक है एंड मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस ठीक है मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस बनाना है आपने इसको आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग क्लियर है भाई उन्होंने क्या बोला आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग आई शैल बी रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग आई रीड दिस बुक सिंस मॉर्निंग आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग या आई हैड आई हैव हैड रीड दिस बुक सिंस मॉर्निंग तो इसका आंसर देने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए प्लस कमेंट uh, सेक्शन में आप अपना आंसर दीजिए देन वीडियो को प्ले करिए और इसका आंसर सही वाला एक्सप्लेनेशन सुनिए पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्या दे रखा है यहाँ पे आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग मतलब कि ये आपको एक इवेंट दे रखी है ठीक है जो आपका क्या है जो पास्ट में घट चुकी है ठीक है ये क्या है इवेंट है जो पास्ट में घट चुकी है ये पास्ट में इवेंट आपकी हो चुकी है अब जो यहां पे सिंस मॉर्निंग आपको यहां दिख रहा है ठीक है सिंस मॉर्निंग ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है कि टाइम रेफरेंस आपका कौन सा टाइम रेफरेंस है इसमें आपका तो ये सामने सामने आपको चल रहा है ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है ठीक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ओके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपका ये आपको सामने सामने दिख रहा है भाई क्या सिंस मॉर्निंग आपका क्या इंडिकेट कर रहा है अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है यहाँ पे आन गोइंग एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और कुछ टाइम के लिए वो कंटिन्यू रहा था ठीक है तो यहाँ पे हमें क्या जो ये रीडिंग बुक की है पास्ट में स्टार्ट हुई थी कुछ टाइम उसने बुक पढ़ी फिर उसने बंद कर दिए ठीक है अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है यहां पे टाइम रेफरेंस हम लोग हमेशा इंडिकेट करते हैं किससे एक चीज आपको याद रखना है टाइम की रेफरेंस ठीक है टाइम रेफरेंस हमेशा हम लोग किससे करते हैं दो चीजों से करते हैं एक आपका आता है फॉर से ठीक है एंड नेक्स्ट वन आता है आपका सिंस से ठीक है जहां पे भी आपको टाइम की रेफरेंस बतानी हो तो वो आपका फॉर एंड सिंसे किया जाता है अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है हैड बीन ओके हैड बीन प्लस वर्ब की आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे लगता है ठीक है वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है मतलब कि रूट प्लस आई एन जी ठीक है यही आपका रूल फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ठीक है भाई हम लोगों ने डिटेल्ड एनालिसिस जो वीडियोस लाई थी इंग्लिश की वो जाके जरूर से चेक कर लीजिएगा जनरल इंग्लिश प्लेलिस्ट का नाम होगा तो उसमें मैंने आपको सारे के सारे रूल्स करवाए हुए हैं ठीक है भाई तो यहाँ पे क्या लगना है? हैड बीन ठीक है हैड बीन आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है भाई तो हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट वन करेक्ट स्टेटमेंट हमारी क्या फॉर्म होगी आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग ठीक है आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ठीक है एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी वहां से आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं भाई चलो नेक्स्ट आपके पास है ईडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन ईडीएम फ्रेजेस में आपको पूछा गया टू ईट हम्बल पाई ईट हम्बल पाइ आपका इडियम फ्रेस का मीनिंग क्या होता है टू बी कॉम इन मैनर टू मेक अ हम्बल एपोलॉजी एंड एक्सेप्ट हिमिलियशन टू बी रिवॉल्टिंग इन नेचर टू बी हंग्री इन नेचर ये अब जो साधारण तरीके से इसको पड़ेगा तो टू ईट हम्बल पाई मतलब कि क्या है कि जो पाई है उसको हम लोग खा लेंगे सिंपल सा यही होगा आपका जो सिंपल तरीके से अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे बट इसका ईडियम और फ्रेज़ेस के मुहावरा है ये इस मुहावरे का मतलब क्या है भाई कि मतलब माफ़ करना एक तरीके से माफ़ करना और अपना अपमान को स्वीकार कर लेना ठीक है वो होती है आपका क्या टू ईट हम्बल पाई मतलब के टू मेक हम्बल एपोलॉजी एंड एक्सेप्ट ह्यूमिलेशन क्लियर है भाई ठीक है तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो अप्रोप्रिएट मीनिंग आपका इस ईडीएम का सही से बता रहा है ठीक है भाई ओके okay? तो यहाँ से आप सीधा सीधा क्या आ, आ, दिमाग लगा सकते हैं कि भाई जो पाई है उसको हम लोगों ने खा लिया मतलब यहाँ पे क्या है हमारी जो बेजती हुई है वो हमने खा ली और हमने वहाँ पे क्षमा प्रार्थी हम हो गए हैं हम्बल एपोलॉजी हमने वहाँ पे कर दी क्लियर तो ये आपका हो गया क्वेश्चन ऑप्शन सेकेंड करेक्ट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई चूज द ऑप्शन दैट विल मेक सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुली कम्प्लीट यस आई डैश मेक श्योर दैट द परफॉर्म्स डैट ही परफॉर्म्स बेटर यस आई माइट मेक श्योर आई शुड हैव मेक श्योर आई वुड हैव मेक श्योर आई विल मेक श्योर दैट ही परफॉर्म्स बेटर अब देखो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया क्या गया है अब पहली चीज यहाँ पे क्या है आई डैश मेक श्योर मतलब कि यहाँ पे बंदा क्या बोल रहा है मेरे को क्या लेना है नेसेसरी uh, एक्शन क्या हमें भाई यहाँ पे क्या लेना है भाई नेसेसरी एक्शन लेना है इसके लिए कि भाई जो बंदा है वो परफॉर्म करे क्या बेटर परफॉर्मेंस उसने अभी इन फ्यूचर करना है क्या है यहाँ पर तो ये बंदा क्या फ्यूचर में परफॉर्मेंस करेगा तो परफॉर्मेंस वही कहाँ पर करेगा फ्यूचर में तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर टेंस क्लियर यहां तक क्लियर हो रहा है भाई ठीक है तो उन्होंने क्या बोला है मेक श्योर sure. क्या मतलब कि कुछ समथिंग जो है वो उन्होंने करना है आगे डिनोट किया है कि ये हमारा क्या है फ्यूचर टेंस हो जाएगा ठीक है तो यहां पे आपको पता है फ्यूचर टेंस में जो आपका लग रहा है यहाँ सिंपल फ्यूचर है तो उसमें आपको क्या लगता है विल ठीक है प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब ओके रूट फॉर्म ऑफ वर्ब तो यहाँ पे सीधी सीधी फ्यूचर वाला था तो आपको यहाँ पे फोर्थ वन हो जाता करेक्ट वन आई विल मेक श्योर दैट ही परफॉर्म्स बेटर ठीक है अगले सवाल की तरफ देखिए अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है इनसर्ट द करेक्ट आर्टिकल आर्टिकल बेस्ड है ये क्वेश्चन आपका इन द ब्लैंक गिवन यहां पर आपको आर्टिकल देना uh, डालना है भाई माई डॉटर रियली वॉन्ट्स डैश डॉग फॉर क्रिसमस यस इस सेंटेंस में आपका क्या दिया गया है डॉग जो क्या है आपका एक नाउन है ठीक है डॉग क्या हो गया आपका नाउन है और यह क्या है अनस्पेसिफाइड नाउन है क्योंकि भाई यहां पर डॉग की ब्रीड आपके पास मेंशन नहीं है तो अनस्पेसिफाइड डॉग है आपके पास क्लियर है पहली चीज तो आपको पता चल गया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या है यहाँ पे पता होना चाहिए भाई कि ए एन ये आपके क्या है इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं जिनका मतलब होता है क्या वो रेफर करते हैं क्या किसी को इंट्रोड्यूस करने में या कोई अनस्पेसिफाइड डाउन हो उसको ये uh, आपका क्या करते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं कौन से आपके इंट्रोड्यूस करता है कौन आपका ए एंड एन ये कौन हो जाते हैं भाई ये दोनों आर्टिकल जो है आपके इनडेफिनाइट आर्टिकल्स ओके इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हो जाते हैं क्लियर समझ आ रही है साथ साथ में अच्छे से रिविजन हो रही है ना तो अब यहाँ पे ए एंड एन ये दोनों यहाँ पे अलग हो जाते हैं कैसे अलग होते हैं ए जो है ये आपका ये आपका कॉन्सनेंट क्या है साउंड देता है जैसे यहाँ पे डॉग है आपका ठीक है ए आपका क्या देता है कॉन्सनेंट साउंड देता है और एन जो है ये आपका वॉवल साउंड देता है ठीक है पहले क्या देता है ये आपका वॉवल साउंड देता है एन आपका क्लियर ये दो डिफरेंस आपने याद रखना है और इनडेफिनिट आर्टिकल है ए एन ए एन और दा जो है आपका ये आपका कौन सा होता है डेफिनेट आर्टिकल क्लियर यहां से आपको पता चल गया होगा ठीक है तीन ए एन द आर्टिकल आपके पास होते हैं ए एन आपका कॉन्सोनेंट साउंड देता है प्लस ये इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं नेक्स्ट आपके पास दा आ गया दा आपका क्या है भाई स्पेसिफिक और पर्टिकुलर चीज के बारे में बताता है यूज करके सिंगुलर एंड प्लूलर नाउन को क्लियर ये आपका है दा तीनों चीजें की अच्छे से हमने कर ली है रिविजन अब यहाँ पे देखते हैं हमारा कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी चीजें हमने देख लिया नाउन है और अनस्पेसिफिक है यहाँ पे क्या इनडेफिनेट में मैंने क्या बोला था ये ये अनस्पेसिफिक बताता है ठीक है जो स्पेसिफिक चीज नहीं होती वो आपका कौन बताता है दैट इज नाउन जो आपका क्या सा है ए एन ठीक है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर क्योंकि भाई यहाँ uh, नो no आर्टिकल तो आएगा नहीं आर्टिकल तो आना ही है वॉन्ट्स अ डॉग एक डॉग उसको चाहिए क्रिसमस के लिए तो दैट्स वाई आपका सेकंड वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर क्लियर तो करेक्ट सेंटेंस आपका क्या बोलेगा बनेगा माई डॉटर रियली वॉन्ट्स अ डॉग फॉर क्रिसमस क्लियर ठीक है समझ आई अच्छे से चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की और यस yes, यहां पे आपसे पूछा गया है नेक्स्ट वन इज एंटोनियम ऑफ टेरिबल टेरिबल जो वर्ड है इसका एंटोनियम आपने बताना है Terrible का. तो फर्स्ट वन इज ट्रेंक्यूलाइजिंग ड्रेडफुल या करेक्ट आपके पास यहां पर एंटोनियम yes. तब पता होगा जब आपको यहां पर क्या पता हो टेरिबल का मीनिंग पता हो तो टेरिबल का मीनिंग क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल भाई यहां पर यहां मतलब और सीरियस ठीक है सीरियस और बैड मतलब गंभीर तरीके से उसको क्या बोलते हैं यार टेरिबल ओके okay? बुरा या फिर गंभीर बहुत गंभीर uh, तो सिचुएशन टेरिबल यार तो आप ऑटोमेटिकली बता दोगे भाई ये क्या चीज है ठीक है तो अब पहला आपके पास क्या दिया गया है ट्रेंकुलाइजिंग ट्रेंकुलाइजिंग क्या है टेंडिंग टू काम इमोशन ओके टेंडिंग टू काम इमोशन मतलब के क्या बोला गया है यहाँ पे भाई टेंडिंग टू काम इमोशन ये क्या चीज है भाई जो आपकी भावनाएं हैं उनको शांत करना जो आपका स्ट्रेस है जो आपको टेंशन है उनको दूर करना वो क्या है ट्रैंक्युलाइजिंग यहाँ तो भाई साहब ये जो सिचुएशन है इसमें तो आपकी टेंशन इसमें तो स्ट्रेस ये सब चीज तो आपकी आएगी क्योंकि ये टेरिबल सिचुएशन है सीरियस सिचुएशन है तो ये तो इसका बिल्कुल अपोजिट उप, हो गया तो यही आपका एंटोनियम पूछा गया है तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्लियर है समझ आई यहां पे नेक्स्ट है आपके पास ड्रेडफुल ड्रेडफुल क्या होता है आपके पास यस ड्रेडफुल यस ड्रेडफुल मतलब कि ग्रेट सफरिंग फियर अनहैपीनेस ये सब क्या होता है आपके पास दैट इज ड्रेडफुल ठीक है अनहैपीनेस हो गया सफरिंग uh, होगी ये सभी चीजें क्या है आपके पास ड्रेडफुल है ये तो इसका टेरिबल uh, का क्या हो जाएगा भाई यहां पर uh, ये uh, इसका इंटोनियम नहीं बन रहा ये तो uh, थोड़ा सा इसका अपोजिट जा अलग अलग ये आप इसका साइनोनियम बोल सकते हैं नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया फियरसम अब फियरसम क्या चीज है भाई जो मतलब यार दिखने में थोड़ा सा अलग हो ठीक है डरावना डरावना रूप जिसको बोलते हैं ना वो आपका होता है फियरसम ठीक है भाई स्पेशली अपियरेंस uh, में जो आपका फ्राइटनिंग हो फ्राइटनिंग मतलब कि अजीब सा दिखने वाला हो ऑफुल एक्सट्रीमली शॉकिंग वो uh, बोलते हैं ना ऑफुल सिचुएशन होगी थी मेरे साथ भाई जा या तो फिर आप इसको हॉरिफिक बोल सकते हैं ठीक है या आप बोल सकते हैं अगले सवाल की और ठीक है ब्लैंक यहाँ पे अगेन आपसे पूछा गया है कि करेक्ट आर्टिकल कौन सा है आर यू दंसर ही बोल दिया भाई ठीक है क्लियर चलो आ जाओ डिस्कस करते हैं अच्छे से फिर बताता हूँ आपको आंसर आर यू डैश इंजीनियर फ्रॉम द गैस कंपनी आर यू द गैस इंजीनियर आर यू एन इंजीनियर आर यू ऑफ इंजीनियर आर यू आ इंजीनियर फ्रॉम द गैस अब गिवेन सेंटेंस में आपका क्या है ये जो इंजीनियर है यह क्या चीज है भाई आपका नाउन है क्लियर क्या है नाउन है और कौन सा नाउन है यहाँ पे स्पेसिफाइड नाउन है ये क्या है स्पेसिफिक बताया गया ना आपको कौन है ये बंदा इंजीनियर है तो स्पेसिफिक नाउन में कौन आता है भाई जो स्पेसिफिक आपको बताता है तो वो होता है आपका द क्लियर तो अनस्पेसिफाइड कौन से होते हैं ए क्लियर ये दो तो आपको से आपका हो गया है भाई। ठीक है ए एंड एन आपके कौन होते हैं स्पेसिफिक है इंजीनियर तो कहा से गैस कंपनी से तो दैट्स वाई आर यू द इंजीनियर फ्रॉम द गैस कंपनी ए एंड एन जो है ये आपको मैंने अभी बताया था ये क्या है आपके दैट इज इनडेफिनाइट ओके इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं ये आपके और ये आपका डेफिनाइट आर्टिकल है डेफिनाइट आर्टिकल मतलब कि जो डायरेक्टली स्पेसिफिक आपको पर्पस बताता है ठीक है क्लियर समझ आई तो ये है आपका करेक्ट आंसर तो यहाँ पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी आर यू द इंजीनियर फ्रॉम द गैस कंपनी ठीक है कोई डाउट चलो अब चलते हैं भाई अगले सवाल के ऊपर <laughs> यस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डायरेक्शन सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इसका साइनोनियम या फिर इसका मीनिंग बताना है आपको कंडेम ओके कंडेम कंडेम क्या चीज है भाई बताओ देखो अब एक स्टेटमेंट आपको बताता हूं यहां से आप क्लियरली पता चल जाएगा कंडेम क्या होते हैं सम ओके प्रेज हिम ठीक है सम प्रेज हिम ओके वे एज वे एज अदर्स अदर्स यस अब अब बताओ भाई, अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कुछ लोगों ने उसको प्रेज करा उसकी तारीफ करी अदर्स लोगों ने उसको क्या करा कॉन्डेम करा मतलब कि उसको थोड़ा बहुत उसकी गलतियां बताई उसमें थोड़े से बताए कि ये गुण आप में नहीं है भाई तो कुछ लोग उसमें वो भी थे अब कंडम वर्ड आप लागुल हाथ स्टेटमेंट बेस से आपको आराम से पता चल गया होगा ऑप्शन वन में आपको दे रखा है टेक्स शॉर्टकट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं हमें नहीं नोज थोरोली यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है मेक्स अ पुअर परफॉर्मेंस हाँ ये हो सकता है सम हो ठीक है क्योंकि भाई बाकी लोगों ने इसको क्या बोला कंडम करा मतलब क्या पता इसका काम खराब हो नेक्स्ट वन इज फाइंड्स फॉल्ट विद ठीक है अभी मैंने क्या बोला था लोगों ने क्या निकाली गलतियां निकाली फॉल्ट निकाला ठीक है तो ऑप्शन फोर्थ वाला हो जाएगा आपका करेक्ट मीनिंग ऑफ कॉन्डेम कंडम मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना किसी चीज के लिए या फिर आ, किसी गलती के लिए किसी को क्या करना क्रिटिसाइज करना वो हमारा होता है, है? आपसे तो इसकी अगर मैं साइनोनियम्स की बात करूं जैसे कि फॉल्ट है ओके okay, ब्लेम uh, है क्रिटिसाइज uh, है ये सभी चीजें आपके पास क्या देखने को मिलेगा भाई दैट इज साइनोनियम्स ऑफ कॉन्डम क्लियर अगर एंटोनियम की बात करूं लाउड प्रेज प्रेज अभी हमने ये देखा था यहाँ पे एग्जाम्पल में उसके बाद कमेंड ओके यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब ठीक है तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे एंटोनियम्स uh, हो जाएंगे आपके कमेंड uh, वर्ड के क्लियर है यहां तक समझ आया चलो अब चलते हैं भाई <coughs> अगले सवाल की और यहां अगेन आपसे एंटोनियम पूछा गया है किसका स्प्राइटली स्प्राइटली का एंटोनियम आपसे पूछा गया है इस सवाल में जिप्पी निम्बल जॉन्टी या यस पहली चीज आपको स्प्राइटली का वर्ड का मतलब पता होना चाहिए स्प्राइटली होता क्या है जब मतलब कि जोशीला आदमी फुर्तीला आदमी तेज तराज आदमी उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई स्प्राइटली मीनिंग फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ ओके फुल ऑफ एनर्जी ओके फुल ऑफ एनर्जी अब यहां पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं जो आपका रणवीर सिंह है ठीक है क्या है रणवीर सिंह ओके ये क्या है स्प्राइट पीता है और जोशीला रहता है स्प्राइट ली मतलब कि स्प्राइट ली इसने क्या कियाप्राइट ली इसकी वजह से ये क्या रहता है जोशीला रहता है तो दैट्स वाई स्प्राइट ली यहां पर क्या है तो तो रणवीर सिंह ने वो क्या हो रहा है भाई जोशीला रह रहा है तो दैट्स वाई आपको का मतलब पता हो गया फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ ये हो गया आपका स्प्राइटली अब इसका अपोजिट देखते हैं भाई पहली चीज नेक्स्ट uh, आपके पास क्या दिया गया है जिप्पी जिप्पी का मतलब ही क्या होता है आपका दैट इज फ्रेश फ्रेश मतलब ताजा ताजा ठीक है अपोजिट पूछा है ये तो भाई ठीक है ये नहीं बन रहा नेक्स्ट वन इज निम्बल निम्बल क्या होता है निम्बल आपके पास होता है भाई जो तेज जल्दी जल्दी काम करे ठीक है मतलब कि मूव क्विकली ओके मूव क्विकली तो ये तो इसका साइनोनियम हो गया तो ये अंटोनियम तो बन नहीं रहा भाई नेक्स्ट वन इज जॉन्टी जॉन्टी क्या होता है भाई यस <coughs> चेयरफुल yes. खुश रहना वो सब हम किसको बोलते हैं भाई जॉन्टी को चेयरफुल ओके चेयरफुल इज अटी पर्सन चेयरफुल हो गया या फिर सेल्फ uh, कॉन्फिडेंट जिसको बोलते हो आप लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट ओके ये सभी आपके पास क्या है जॉन्टी नेक्स्ट आपके पास यहां पे एक ही बचा तो यही होगा आपका आंसर एपैथेटिक एपैथेटिक का मीनिंग क्या होता है जिसमें आप लोग कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते नो इंटरेस्ट एट ऑल ठीक है कोई इंटरेस्ट आपको काम में नहीं दिखता आपको कहीं किसी जगह नहीं दिखता आप में इंथेजिजम नहीं है ठीक है आपका कोई कंसर्न ही नहीं है कहीं दिलचस्पी ही नहीं है तो ये आपका हो जाएगा एपैथेटिक यहाँ पे क्या है फुल ऑफ एनर्जी है हर काम बंदा अच्छे से कर रहा है और यहाँ पे मन ही नहीं है बंदे का तो दैट्स वाई एपैथेटिक इज़ द एंटोनियम ऑफ स्प्राइटली ठीक है किसका स्प्राइटली का एंटोनियम क्या हो जाएगा आपका एथेटिक एपैथेटिक uh, क्लियर अब यहां पे स्प्राइटली uh, की अगर मैं बात करूं स्प्राइटली के साइनोनियम अगर आपके पास यहां बताऊं जैसे एंथोसियास्टिक ईगर ये सभी क्या हैं आपके स्प्राइटली के साइनोनियम है एंटोनियम की बात करें एपैथेटिक तो हो गया लेजी ओके लेजी इनएक्टिव ओके तो ये सभी क्या हैं आपके? है आपके एंटोनियम से स्प्राइटली के क्लियर चलो अब चलते हैं भाई अगले सवाल के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई यस yes. इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में एक आएगा ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ यहाँ आपसे पूछा गया भाई चूज द ऑप्शन विच गिव द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ द पार्ट्स विच आर लेबल्ड ए बी सी डी एंड प्रोड्यूस द करेक्ट सेंटेंस ठीक है ये चार सेंटेंस को आपने सही ऑर्डर में लगाना है और इसको मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है यस yes. बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर यस चलो आओ साथ में रीड करते हैं बाई एन एम्पर नेम्ड शाहजहां ओके द ताजमहल इज इन मेमोरी ऑफ वाइफ मुमताज महल ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट बिल्ट तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें द ताजमहल इज ठीक है तो बी तो आएगा हमारे पास फर्स्ट नंबर पे ठीक है क्यों द ताजमहल इज ब्यूटी इज अ ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट नेक्स्ट हमारे पास डी होगा ये तो क्लियर हो रहा है भाई ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट बिल्ट बाई ठीक है बिल्ट बाई एन एम्पर नेम्ड शाहजहां ठीक है शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल बी डी ए सी क्लियर तो ये इतना सा आंसर था कुछ भी इसमें टफ नहीं था बी डी नहीं ये नहीं है भाई बी डी ए सी आपका पहला ही है यहाँ पे करेक्ट आंसर ठीक है बी डी सी क्लियर क्या बना आपके पास सेंटेंस द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट बिल्ट बाय एन बिल्टन शाह इन मेमरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल ठीक है भाई क्लियर समझ आया चलो <coughs> आ जाए अगले सवाल के ऊपर चूज द ऑप्शन दैट विल मेक अ सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल कंप्लीट By द नेक्स्ट मंथ वी शेल डैश द प्रोजेक्ट वी शेल कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट वी हैज completed द प्रोजेक्ट वी कंप्लीटेड द प्रोडक्ट प्रोजेक्ट वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट यहां पे देखो हैज अ कंप्लीटेड मतलब कंप्लीट तो अभी तक नहीं हुआ है ना भाई या हो गया इनने बोला अगले मंथ तक हम कर देंगे क्लियर तो कंप्लीटेड नहीं हुआ है ऐसा कुछ ठीक है तो अब वी शेल अब यहां पे आ जाओ थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले गिवन सेंटेंस आपकी बात क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की बात हो रही है कि प्रोजेक्ट हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट को कब नेक्स्ट मंथ कब हो रही है बात नेक्स्ट मंथ यहां मतलब हमारे जब नेक्स्ट मंथ की बात आई है यहां जो आपको दिख रहा है तो यहां अब हमारे पास क्या दिख रहा है भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस ओके फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें सामने सामने दिख गया क्योंकि भाई यहां क्या हो रहा है फ्यूचर में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है संभावना है फ्यूचर परफेक्ट आपका वर्ब टेंस है जो एक्शन आप यहां पे यूज करोगे वो कंप्लीट होगा आपका कब नेक्स्ट मंथ क्यों प्रोजेक्ट की बात हो रही है यहां पे विल प्लस हैव ये आपका लगता है और प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे लगेगा आपका कंप्लीटेड तो कंप्लीटेड आपका होगा क्या वर्ब का पास्ट पार्टिस वर्ब्स पास्ट पार्टिसिपल जो आपका यहाँ पे कंप्लीटेड है प्लस आपका लगता है क्या और शेल प्लस हैव ठीक है शेल ऑलरेडी लगा हुआ है प्लस आपको हैव लगाना है और कंप्लीटेड आपका क्या हो गया यहां पे वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल क्लियर तो हैव कंप्लीटेड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर क्लियर है समझ आई इतना था ये क्वेश्चन आपका भाई तो फोर्थ वन इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस तो स्टेटमेंट आपकी क्या बन जाएगी बाय द नेक्स्ट मंथ वी शेल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट क्लियर है चलिए आ जाए अगले सवाल पे डायरेक्शन इंसर्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक गिवन अगले जो गिवन ब्लैंक है इसमें आपको करेक्ट प्रीपोजिशन ऐड करना है वी टॉक्ड डैश द सोल्यूशन तो इन्होंने सोल्यूशन के बारे में क्या करा भाई अबाउट बिलो अब एट पहली चीज आपको क्या देखना है यहां पे भाई हमारे पास क्या है प्रीपोजिशन दिए गए हैं चारों के चारों अब कौन सा प्रीपोजिशन यहां पे आएगा ये हमें क्या करना है सब्जेक्ट समझना है इसका तब जाके हमें पता चलेगा भाई ठीक है अब किसी भी चीज की विशेषता बतानी हो या फिर किसी चीज का संबंध बताना हो तब हम क्या यूज करते हैं भाई अबाउट यूज करते हैं तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं क्या यहाँ पे हम लोगों को क्या यूज कर रहे हैं तो हम लोगों ने बात की है किसकी सॉल्यूशन की तो मतलब हम लोग क्या करें किसी चीज की आ, किसी स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं ना तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा अबाउट आएगा वी टॉक्ड अबाउट द सोल्यूशन क्लियर है आंसर आपको आ गया है भाई क्लियर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा बिलो ये जो आपका प्रीपोजिशन है ये आपको कब यूज कर है? जाता है या तो आपकी पोजीशन लोअर हो या फिर किसी की पोजीशन से नीचे आप बात कर रहे हो तो हम हाँ लोग बिलो का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे तो सीधी सीधी सॉल्यूशन की बात कही है तो बिलो का तो काम ही नहीं है नेक्स्ट आपके पास एबव uh, एब मतलब या तो आप लेयर्स की बात कर रहे हैं किसी की या तो आपके हायर लेवल पे कोई है तो उसकी बात कर रहे हो तो आपका ये प्रपोजिशन यूज होता है भाई क्लियर है समझ आई हाँ एट आपका क्या है एट मतलब पर या फिर में जब किसी को या फिर किसी चीज को आप वहां पे दिखा रहे हो कि क्या हो रहा है और कहां हो रहा है तो वो आप कहां क्या क्या यूज करेंगे कौन सा प्रिपोजेशन दैट इज एट तो यहां पे करेक्ट आपका हो जाएगा अबाउट क्लियर है तो यहां पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा प्रिपोजेशन जो होगा अबाउट वी टॉक्ड अबाउट द सोल्यूशन क्लियर है चलो अब आ जाओ भाई अगले सवाल के ऊपर नेक्स्ट अगेन आपसे इडियम फ्रेजेस पे पूछा गया है एप्पल पाई ऑर्डर एप्पल पाई ऑर्डर यस इसका परफेक्ट मतलब बताना है आपको रिलेटेड टू फ्रूट्स पैकिंग इन रेंडम ऑर्डर रिलेटेड टू ड्राई फ्रूट्स पैकिंग इन परफेक्ट ऑर्डर यस एप्पल पाई ऑर्डर ये जो आपका एप्पल पाई ऑर्डर है इसका मतलब होता है सही तरीके से या फिर सही सीक्वेंस में क्लियर सही तरीके से या सही सीक्वेंस में तो मतलब कि इन परफेक्ट ऑर्डर क्लियर है एप्पल पाई ऑर्डर मतलब सही तरीके से uh, अब एग्जांपल एक ले लेते हैं व्हेन शी ओपन द फ्रिज एवरीथिंग वॉज अरेंज इन एप्पल पाई ऑर्डर मतलब कि सही सीक्वेंस में हर चीज़ लगी हुई थी तो वहां पे हम लोग क्या कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर क्लियर है समझ आई तो यहां पे हो जाएगा इस ईडियम फ्रेजेस का करेक्ट मीनिंग एप्पल पाई ऑर्डर क्लियर चलो आ जाए अगले सवाल के ऊपर इंसर्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन अगेन प्रीपोजिशन आपको ऐड करनी है यहां पे ही डज नॉट अप्रूव डैश स्वेरिंग ऑल्सो ऑफ ऑफ अवे यस यहाँ पे परफेक्ट प्रीपोजिशन uh, आपको ऐड करनी है अब देखो यहां पे ऑल्सो uh, क्या है आपका एडवर्ब है क्लियर है एडवर्ब है जो आपका क्या करता है एडिशन करता है क्लियर एडिशन करता है और यहाँ पे एडिशन की बात नहीं हो रही है क्लियर तो ये तो हमारा नहीं होने वाला नेक्स्ट आपके पास प्रीपोजिशन ऑफ दे रखा है ये आपका किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए बताया जाता है यूज होता है स्पेसिफिक ओके okay? जब भी आप स्पेसिफिक थिंग या फिर किसी किसी खास बात के ऊपर फोकस करते हैं तो आपका ऑफ यूज होता है ठीक है नेक्स्ट आपके पास आ गया ऑफ ठीक है ऑफ मतलब कि हम लोग लिविंग द प्लेस किसी जगह को छोड़ना किसी जगह को छोड़ना या फिर किसी चीज से दूर जाना उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ ठीक तो है तो नेक्स्ट है अवे अवे आप सभी को पता है इसका भाई क्या है एक डिफरेंट uh, डायरेक्शन या uh, दूर जाना क्या दूर जाना या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में जाना डिफरेंट प्लेस पे जाना वो आपका अवे यूज होता है ये आपका एडवर्ब है 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 भाई क्या है? Adverb है. यहाँ पे हमें दूर तो जाना नहीं है तो आपका ऑफ हो जाएगा correct answer. He does not approve of swearing. ठीक है off मतलब specific, specific चीज़ बता रहे हैं कि स्वेयरिंग की बात हो रही है तो दैट्स वाई आपका यहाँ पे given sentence में क्या बोला डेनियल ऑफ एन ऑथ ठीक है जो स्टेटमेंट आपको प्रॉमिस कर रहा है तो दैट्स वाई आपका यहाँ पे ऑफ आएगा करेक्ट आंसर ठीक है ऑप्शन uh, सेकंड हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन चलो जी आ जाओ यहाँ कॉम्प्रिहेंशन है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ आंसर द क्वेश्चन गिवन ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन है कुछ इसमें स्टेटमेंट में आपको नहीं दिया गया आ जाओ एक बार रीड करते हैं इसको अ मिली लीटर इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड ओके हियर इज अ मिली लीटर ऑफ मिल्क इन अ टीस्पून ठीक है यहाँ पे क्या बोला गया है मिली लीटर ऑफ मिल्क है टी में ठीक है जी इट डजेंट इवन फिल द टी स्पून वो टी स्पून को भी फिल नहीं कर रहा इफ़ यू कलेक्ट ट्वेंटी ड्रॉप ट्वेंटी ड्रॉपर यू विल हैवन मिली मीटर मतलब ट्वेंटी ड्रॉप से एक मिली लीटर बनता है आपका एंड अ टी स्पून होल्ड अबाउट फाइव मिलीलीटर एक टी स्पून जो है वो आपकी पांच मिली लीटर को होल्ड कर सकती है मिली लीटर और ऑफन रिटर्न एज एम एल फॉर शॉर्ट मिली लीटर को शॉर्ट में एम एल लेते हैं सो so, हंड्रेड एम एल मीन्स हंड्रेड मिली लीटर सो एम एल का मतलब सो मिली लीटर्स अ लीटर इज जस्ट बंच ऑफ मिली लीटर्स पुट ऑल टूगेदर एक लीटर जो होता है वो uh, सभी मिली लीटर्स को एड ऑन करते हैं तो आपका मिली लीटर बन जाता है थाउजेंड मिली लीटर्स मेक वन लीटर ठीक है हजार मिली लीटर को मिला के हम लोग एक लीटर बनाते हैं जैसे आपका मिल्क सोडा और अदर ड्रिंक्स जो है वो आपका लीटर्स में सोल्ड होता है अब यहां आपसे पूछा क्या गया है आप यहां फोकस करते हैं करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेजरमेंट लिक्विड इन द पैराग्राफ ठीक है अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा है इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है इन ऑप्शन के थ्रू ये देखते हैं भाई देखो पहले हमें क्या बोला गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में ट्वेंटी ड्रॉप्स एक टी स्पून ठीक है एक टी स्पून फाइव मिली लीटर्स और थाउजेंड मिली लीटर्स एक लीटर्स ठीक है जी ये हमारे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्वेंटी ड्रॉप्स एक टी स्पून में ठीक है और एक टी स्पून में फाइव आ, मिली आते हैं ठीक है तो चलो आ जाओ नेक्स्ट वाल देखते हैं ट्वेंटी ड्रॉप्स वन मिली ठीक है भाई यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे ये यह सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्या बोला था है? हमने ट्वेंटी ड्रॉप्स ऑफ वाटर यू विल हैव वन मिलीलीटर तो ये तो स्टेटमेंट आपकी हो गई यहां पे करेक्ट और वन टीस्पून स्पून फाइव मिली बिल्कुल यहां हमने अभी देखा था ठीक है फाइव मिली लीटर्स एक टी स्पून में आपके फाइव मिली लीटर्स आते हैं ये भी बिल्कुल सही हो गया हंड्रेड मिली लीटर्स वन लीटर हंड्रेड मिली लीटर्स वन लीटर तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी क्लियर है ठीक है तो बाकी हमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर चलिए अगेन फिर से सेम आपके पास दिया गया है पैराग्राफ सेकंड ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन देखिए हियर इज अ मिलीलीटर ऑफ मिल्क इन अ टीस्पून इट डजेंट इवन फिल द टीस्पून क्लियर है तो आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना है प्रोनाउन इस सेंटेंस में फॉलोइंग ये जो आपको नीचे सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको प्रोनाउन बताना है कौन सा है भाई यस yes, बताइए यस yes, क्या बोला गया हेयर एज अ मिली लीटर ऑफ मिल्क इन अ टी स्पून इट डजेंट इवन फिल द टी स्पून यस बताओ भाई क्या बोला गया अब अगर यहां पे आप लोग क्या देखेंगे सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंस पैसेज का जो आपको ऊपर दिया गया है ठीक है उसमें क्या दे रखा है हेयर इज क्या दे रखा है आपके पास यहां पे डायरेक्टली हेयर इज अ मिली लीटर ऑफ मिल्क इन टी स्पून क्लियर क्या दे रखा है मिली लीटर इन टी स्पून इट इवन फिल द टी स्पून प्रोनाउन आपके पास यहां पे क्या बन रहा है भाई प्रोनाउन वो वर्ड यूज होता है uh, किसकी जगह पे नाउन या फिर प्रोनाउन की जगह क्लियर तो यहां पे किसकी बात हो रही है मिल्क ठीक है इन अ टी स्पून इट डजेंट इवन फिल द टी स्पून इट मतलब के मिल्क की बात हो रही है यहाँ पे तो ये जो आपका मिल्क है मिल्क की जगह हमने क्या यूज किया इट यूज किया है तो यहाँ पे नाउन फ्रेज क्या बना था मिली लीटर ऑफ मिल्क तो इट जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ प्रोनाउन फॉर मिली लीटर ऑफ मिल्क ये जो मिली लीटर ऑफ मिल्क है ना इसकी जगह आपका एक्ट कर रहा है ये इट एज अ प्रोनाउन तो इट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ठीक है क्लियर चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ नेक्स्ट आपसे पूछोगे साइनोनियम साइनोनियम किसका ईरी का इरी ईरी का साइनोनियम आपको बताना है क्या है गौलिश डिलेक्टेबल रोटीन या अर्थली यस yes, इरी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये इरी अभी एक आमिर खान की आ, ओल्ड लुक में फोटो एक वायरल हुआ था इंटरनेट पे जिसमें वहां पे क्या लिखा था ईरी लुक ऑफ आमिर खान ईरी इरी अब है क्या चीज आपको बताना है भाई का मतलब होता है पहले बता दूं फिर आप लोग साइनोनियम समझ जाएंगे स्ट्रेंज स्ट्रेंज ठीक है है मतलब अजीब सा ड्रावना वो क्या है आपका ईरी क्लियर अब मुझे बताओ यहां पे कौन सा है आपके पास करेक्ट आंसर साइनोनियम बताना है आपको गुलिश गुलिश का मतलब क्या होता है भाई गुलिश मतलब के इविल इविल शैतान क्या होता है डरावना होता है तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ठीक है पहला है आपका करेक्ट आंसर नेक्स्ट है डिलेक्टेबल ये आपका क्या होता है भाई डिलेक्टेबल uh, मतलब कि खूबसूरत आदमी सुंदर आदमी डिलेक्टेबल मतलब कि वेरी अट्रैक्टिव ठीक है वेरी अट्रैक्टिव ये आपका हो जाता है डिलेक्टेबल नेक्स्ट वन इज रूटीन रूटीन मतलब आपको पता ही नॉर्मल रिट्यून है मेरी ये तो इसकी रेगुलर रिट्यून है रूटीन है रेगुलर या फिर नॉर्मल ये आपकी क्या हो जाती है रूटीन हो जाती है नेक्स्ट आपके पास है अर्थली अर्थली मतलब कि आप क्या बोलते हैं कुछ ऐसा जो पॉसिबल है ठीक है कुछ ऐसा जो पॉसिबल है तो वो आपका हो जाता है अर्थली दैट इज समथिंग ओके समथिंग दैट इज पॉसिबल तो ये आपका क्या हो जाता है अर्थली ठीक है समथिंग दैट इज पॉसिबल ये आपका हो जाता है अर्थली तो ये सभी चार वर्ड्स की मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं पांच वर्ड यहां पे आपके ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं तो सिमिलर साइनोनिम हो जाएगा आपका गुलिश का दैट इज ईरी तो अब यहाँ पे ईरी के साइनोनिम हम लोग देख लेते हैं गुलिश तो देख लिया आपने घोस्टली हो जाता है एक आपका ठीक है डरावना आदमी हॉरीफाइंग ओके हॉरीफाइंग ओके भूतिया शक्ल वाला तो ये आपके हो जाएंगे साइनोनियम अगर मैं आपसे एंटोनियम्स की बात करूं ईरी का हो जाएगा नॉर्मल ओके फेमिलियर ठीक है फेमिलियर के साथ यूजुअल

परफेक्ट है जो आपको यहाँ पे यूज होने वाला है तो देखो आ, स्काई स्क्रैपर के ऊपर तो नहीं रहेगा कोई है ना एट का तो नहीं आने वाला यहाँ पे क्योंकि ऐट कब यूज करते हैं हम लोग मैंने आपको क्या बताया था पर या में ठीक है आ, स्काई स्क्रैपर के ऊपर क्लियर समथिंग यहाँ पे जहाँ कुछ हो रहा हो तो ये तो आपका होगा नहीं इसके ऊपर बिलो तो स्काई स्क्रैपर के नीचे थोड़ी ना कोई रहेगा भाई ये लोअर पोजिशन और लोअर देन समीज और समथिंग कुछ चीज हो जिसके नीचे आपको दिखा रहे हो तो आपका दिखाते हैं तो लोअर तो आएगा नहीं इन इन यहाँ पे आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है ये जो एक्सप्रेस कर रहा है सिचुएशन समथिंग समवन जो अपीयर हो रहा है इंक्लूज हो रहा है सराउंड किया जा रहा है किसी चीज के समथिंग एल्स के वहां स्क्राई स्क्रैपर यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है तो दैट्स वाई इन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर क्लियर आई चूज टू लिव इन द स्क्राई स्क्रैपर्स ओके ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ठीक है चलो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला सवाल क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली कन्वर्ट द सेंटेंस इन टू इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट वन बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्पीच इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच जो मैंने आपको बताई थी जिसमें मैंने आपको क्या शॉर्ट uh, में बताया था चुगलियां ये क्या हो रही हैं भाई यहां पर चुगलियां कर रही हैं लोग मतलब कि मैंने कुछ बोला आपने आपको आपने जाके मेरी बात किसी और को बताई तो वो क्या है आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है और नथिंग न्यू क्लियर चलो दिया क्या है आपके पास ही सैड आई वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट अब यहां देखो भाई ही सैड सैड के बाद जब भी आपको कॉमा है ये जब कॉमाज हटेंगे तो आपके पास दैट आ जाएगा याद रखना है आपने ठीक है वॉज हटेगा तो आपका हैड आ जाएगा क्लियर सिंपल सा सेंटेंस आपका है यहां पे बेसिक रूल है आपके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आप रिमूव करोगे तो आपका दैट ऐड हो जाएगा क्लियर है ये आपने याद रखना है पहला पर्सन जो है जिसकी आई की बात हो रही है क्या है यहां पे आई तो उसको जो है थर्ड पर्सन हम बना देंगे प्रनाउन के थ्रू तो वहां पे क्या हो जाएगा आ, यहां पे क्या दैट आई का कर देंगे हम ही प्रोनाउन यूज कर देंगे ही क्या हम लोग आई जिसको मेंशन किया था उसकी जगह हम प्रोनाउन uh, यूज करेंगे तो वहां क्या हो जाएगा ही वॉज की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे भाई दैट इज अड क्लियर हैड तो सेंटेंस uh, क्या बनने वाला है आपके ही सैड दैट ही सैड दैट ही हैज हैज नहीं मैंने हैड बोला ये भी किया है हैड ठीक है तो थर्ड वाला आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ही सेड दैट ही हैड बीन वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट क्लियर थर्ड वाला आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर तो ये थे आपके कुछ बेसिक रूल्स जो आपको पता होने चाहिए नीचे मैं आपको एक प्रॉपर टेबल प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैं आपके आपने कैसे इनको कन्वर्ट करना है ये एक बार रीड आउट कर लीजिएगा पीपीटी से डाउनलोड करके क्लियर चलो आ जाए अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइनोनियम ऑफ बिजार ओके बिजार का साइनोनियम आपको बताना है क्या होता है बिजार यस बिजार का साइनोनियम क्या बिजार का मीनिंग क्या है पहले चीज आपको ये होता है ना पता होना चाहिए वेरी स्ट्रेंज ओके वेरी स्ट्रेंज आपका होता है बिजार का मतलब वेरी स्ट्रेंज मतलब के अनयूजल अनोखा ठीक है ये जो आपको डिफरेंट लुक जो थोड़ा सा हाँ इसको बोल सकते हो असामान्य जो सबसे मिलता ना हो ठीक है यूजुअल ना हो जो वो चीज़ हम लोग बोलते हैं बिजार ठीक है तो इसका आपको बताना है साइनोनियम नॉर्मल नॉर्मल क्या है ये टिपिकल और यूजुअल ठीक है नेक्स्ट आपके पास इंटीमेट इंटीमेट का मतलब क्या होता है क्लोजली या तो फिर फैमिलियर क्लियर फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट क्या होता है भाई आपका फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है आपका हैपनिंग ऑफन ठीक है तो फ्रीकिश का क्या होता है अब दैट इज अनएक्सपेक्टेड ठीक है अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड कौन सा हुआ जो आपका क्या है अनयूजल तो अब मैंने आपको क्या बताया था यहां वेरी स्ट्रेंज मतलब कि जो अनयूजल सिचुएशन हो आपका तो उसको हम बोलते हैं बिजार सिचुएशन तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दैट इज फ्रीकिश ठीक है फ्रीकिश वेरी अनयूजल स्ट्रेंज ये सब क्या है आपके साइनोनिम है की. बिजार के बिजार के साइनोनिम आपके पास हैं जैसे फ्रीकिश हो गया एबनॉर्मल हो गया ओके okay? एबनॉर्मल के बाद अनयूजअल हो गया तो ये क्या चीज़ें हैं आपकी बेजार के सोनोनियम अगर एंटोनियम की बात करूँ मैं आपके पास नॉर्मल ओके नॉर्मल ये इसका एंटोनियम है ठीक है नॉर्मल उसके बाद मैं आपसे बात करूँ फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट भी इसका एंटोनियम है उसके बाद यूजुअल यूजुअल भी इसका एंटोनियम है आपको ये देखने को मिलेगा बिजार वर्ड ठीक है बाजार वर्ड के रिलेटेड हमने एंटोनियम देख लिया सोनोनीय देख लिया बाजार का मीनिंग देख लिया अब चलते हैं अगले सवाल की और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया भाई चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट विल मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट इनमें से वर्ड्स uh, का करेक्ट आपने चूज uh, करना है जो सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट uh, बताएगा आपको सेंटेंस से बिल्कुल प्रॉपर प्रॉपर परफेक्ट बताएगा द डैश द कार इज द डैश वी विल रीच द स्लोअर द कार इज द सूनर वी विल रीच द फैंसियर द कार इज बैट द बेटर वी विल रीच द कॉस्टलियर द कार इज द फास्टर वी विल रीच द फास्टर द कार इज द सुनर वी विल रीच अब यहाँ पे क्या चीज आ रही है भाई पहले हम लोग यहाँ देखेंगे स्लोअर स्लोअर क्या है हमारे पास ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है नॉट क्विक या फिर नॉट फास्ट ठीक है मतलब कि ये धीरे चल रही है स्लो चल रही है ठीक है तो यहाँ मतलब जल्दी जल्दी या तेज़ नहीं तो वो क्या हो जाएगा आपके पास स्लोअर सूनर क्या होता है ठीक है सूनर मतलब के जल्दी जाना जल्दी मतलब समय से पहले फास्ट ठीक है अब जो स्लो चलेगा वो जल्दी कैसे पहुंचेगा तो ये तो हमारा नहीं बैठेगा नेक्स्ट फैंसी अब फैंसी का मतलब सबको पता है नॉट सिंपल ऑर्डिनरी नहीं भाई साहब बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत कोई चीज़ लग रही है तो उसको हम फैंसी बोलते हैं ठीक है तो अगर कार फैंसी है तो उसकी वजह से क्या आप जल्दी पहुंचेंगे बेटर मतलब कि ग्रेटर uh, या फिर हाई डिग्री में बेहतर ढंग से अच्छे तरीके से वो क्या है बेटर है आपके पास तो अच्छे तरीके से रीज uh, जल्दी पहुंच जाओगे तो ऐसा तो नहीं होगा भाई यहाँ अगर कॉस्टली गाड़ी है तो द फास्टर वी विल रीच अगर जितनी आपकी कॉस्टली गाड़ी है ठीक है महंगी गाड़ी है कॉस्टली मतलब कि एक्सपेंसिव चीज़ है आपकी तो आप क्या करोगे फास्टर uh, का मतलब क्या होता है एबल टू मूव और एक्ट एट ग्रेट स्पीड तो वहाँ से आप जल्दी जल्दी चल सकोगे ऐसा तो नहीं है ना गाड़ी महंगी है तो जल्दी चल पाओगे आप कैसा होता है नहीं ना होता अगर आप फास्टर हो तेज आपकी गाड़ी चलेगी तो आप जल्दी पहुंचोगे गाड़ी चलेगी तो ही आप सूनर पहुंचोगे द फास्टर द कार इज द सूनर वी विल रीच ठीक है क्लियर समझ आए ये था हमारा आज का भाई लास्ट क्वेश्चन ऑफ जनरल इंग्लिश जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करे हैं आपके परफेक्ट ट्वेंटी एम उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिएगा ये पीडीएफ के लिए पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन जरूर करना आपको पता है हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने नीचे टेबल दे रखे हैं आप जहाँ से रिवीजन कर सकते हैं आपकी जनरल इंग्लिश की ठीक है तो वो रिवीजन पर्पस के लिए याद से डाउनलोड कर लीजिएगा प्लस इंस्टा हैंडल चेक करना यहां पे हम लोग डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं और ये आपका आ, हमारा एक्स अकाउंट है जो फॉर्मरली ट्विटर यहाँ पे डेली थ्रेड्स डाल देता हूँ मैं आपको जब जो जो भी कोई आपका यूपीएससी पी जेके पी की तैयारी कर रहा है या फिर जिसको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होती है तो यहाँ पे जरूर से आप चेकआउट कीजिएगा ज्वाइन करना ना करना आप तक है प्लस कोई डाउट हो कोई क्यूरी हो कोई क्वेश्चन पूछना हो पेपर डिस्कस करना हो तो आप इस ई मेल आई पे डायरेक्टली हमें भेज सकते हैं पूछ सकते हैं भाई ठीक है तो ये था हमारा आज का लास्ट सेशन लास्ट मॉक टेस्ट जो आपकी सेक्शनल था इंग्लिश का इससे पहले हम लोग पांच ऑलरेडी कर चुके हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा ठीक है तो चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल बेलाइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आने से पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए ठीक है तो चलें आप पढ़ते रहें खुश रहें मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक आप पढ़ते रहें गॉड ब्लेस यू कीप लर्निंग कीप शेयरिंग